दोस्तों अभी मेरे सामने आ चुका है 2024 की बजाज पल्सर 125 नियॉन एडिशन। दोस्तों पहले ही बता दूं आपको, इसका अगर ऑन रोड कीमत जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे आपके स्टेट का नाम लिख दीजिए, मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा कि अप्रोक्सीमेट बताने के लिए। देखिए नया ग्राफिक्स के साथ नया कलर का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो इसको नियॉन ब्लू भी आप बोल पाओगे। एक्चुअली ब्लू ठीक नहीं है, ब्लू के नीचे थोड़ा सा ग्रे का जेड टाइप टचअप भी दिया है नया मॉडल पे। देखिए पल्सर जो नियॉन लिखा जाता है इस पे, पल्सर का जो बैजिंग है उसके नीचे भी ब्लू का टचअप दिए जाते हैं। नया मॉडल है, अभी जस्ट गाड़ी शोरूम पे आया दोस्तों, और मैं अभी आ चुका हूँ डानकुनी बजाज पे। डानकुनी टीएन मुखर्जी रोड के एकदम अपोजिट आइए, शोरूम हर एक गाड़ियों से भरपूर है। नया NS400Z, NS200, N250 और नया पल्सर 125 नियॉन एडिशन। चलिए इसका पैकेजिंग को हटाते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक इसमें LED अपडेट नहीं दिया बजाज ने, देना चाहिए था। इस पर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर 12 लीटर की टैंक आएंगे इसमें, E20 सपोर्ट भी करती है, 20% इथानॉल और 80% पेट्रोल मिक्स फ्लेक्सिबल, उसके साथ भी इस गाड़ी को आप चला पाओगे। एक चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगता है बाकी ब्रांड के मुकाबले भाई, इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार है। चाबी देखिए कुछ इस तरीके से आएगी डिज़ाइन। अब मीटर कंसोल देखने की बारी, DT डिस्टेंस टू MT, बाकी ऊपर ओडो IFE AFE देख पाओगे, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी जान पाओगे, साइड स्टैंड इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन, फ्यूल गेज, हर एक तरीके का डिटेल्स आप देख पाओगे। इसको जैसे ही दबाया DTE ओडो IFE हर एक चीज़ें शो करेगी, और RPM मीटर देख लो वही क्लासिक एनालॉग स्टाइल पे RPM रेव लिमिट भी शो करती है। स्विच प्रोफाइल काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट हुआ है इस पर। और वही पासिंग स्विच, तो LED इसमें नहीं दिया दोस्तों, हैलोजन ही है। मिडिल वाला बटन ऐसे दबा तो ऑफ हो जाएगा। इंडिकेटर, हॉर्न और इंजन किल स्विच। चलिए सीट हाइट है 790। इंजन परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। देखिए टैंक पैड कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मर रोबोटिक डिजाइन में अभी भी आती है। टेल लाइट वही सेम शेप के साथ जो बजाज एक लेजेंड इसको बोल पाओगे, वही लेजेंडरी शेप। और एग्जॉस्ट पाइप में गार्ड भी दिया है मेटल बॉडी के साथ, मेटल टचअप के साथ। लेडीज फुट टेस्ट विथ साड़ी गार्ड दोनों एक साथ ही आएगी दोस्तों, तो अलग से आपको लगाना नहीं पड़ेगा। पीछे मेरे ख्याल से दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जो बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस आपको देगी। जब पिछले साल मैं इसको लेकर गया था लॉन्ग रूट पे, थोड़ा सा मतलब एक्चुअली लॉन्ग रूट में नहीं बोलूँगा, 60-70 किलोमीटर तक हम लोगों का ट्रैवल था, एक छोटा सा पिकनिक के वजह से मैं गया था दोस्तों। तो मैं जब इसको उबर खबर रास्ते में से ले जा रहा था, मुझे विजिबल हो रहा था गड्ढा फड्ढा सब हर चीज़ है, आपको तो ऑब्वियसली दिखेगा, बट उसमें से आप जब जाओगे छोटे मोटे गड्ढों से आपको फील नहीं होगा। ऊंची बम्पर स्पीड ब्रेकर पे जब टकराएगा आपको महसूस होगा ऑब्वियसली। आप कोई भी बाइक लेके जाओ, NS400Z, NS200 डोमिनार, वो आपको महसूस करवाएगी, लेकिन पल्सर 125 का माजरा कुछ अलग है दोस्तों। छोटे मोटे जो गड्ढा होता है ना, छोटा मोटा गड्ढा, उसमें से जब जाओगे वो आपको फील नहीं होगा, ज़्यादा फील नहीं होगा एक्चुअली बाकी ब्रांड के मुकाबले। तो पीछे है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और सामने टेलीस्कोपिक फोर्क। मेरे ख्याल से पीछे 100 टायर प्रोफाइल सेगमेंट और सामने 90x90, और पूरा बॉडी प्रोफाइल ठीक ठाक क्वालिटी मुझे लगा। 125 कुछ ग्रे एंड ब्लू टचअप के साथ पीछे लिखे जाते हैं टेल सेक्शन पे, 790, और सीट भी काफ़ी स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट आते हैं। अंदर का जो फॉर्म है बेटर क्वालिटी के दिया है इस बार, और ग्रैब रेल देखिए वही राउंडर शेप पे। चलिए अब इसका इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। 124cc 11.64 bhp 8500 rpm और 10.8 Nm टॉर्क देगी 6500 rpm के साथ। 50 km/l आप एक्सपेक्ट कीजिए माइलेज आपको देगी, 140 kg है, और 11.5 L टैंक है इस पर। सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे ट्विन शॉक गैस चार्ज सस्पेंशन। सामने है 240 mm डिस्क ब्रेक, और दोनों साइड पे देखिए रिफ्लेक्टर भी इस्तेमाल होता है इस पर। इसका फ्रंट फेंडर भी देखिए काफ़ी मजबूत है भाई, 125cc की गाड़ी, और क्वालिटी देखिए, एक बिग बाइक आपको फील होगा जब इसको चलाओगे आप।
कुछ ऐसा दिखती है साइड व्यू से। किक स्टार्ट और सेल्फ दोनों का ही सुविधा है इसमें, 240 और मेरे ख्याल से पीछे ड्रम है 130। तो आज का रिव्यू बस इतना है। 790 सीट हाइट, तो अगर आपका हाइट 5'3" के 4" भी हो प्रॉपर तरीके से चला पाओगे। देख लो मेरा हाइट 5'6-7" के आसपास और ठीक ठाक ही मैं एडजस्ट हो रहा हूँ भाई, इसमें दिक्कतें कुछ भी नहीं है। देखिए मीटर कंसोल के ऊपर वाला पोर्शन फेक कार्बन फाइबर का टचअप दिया है इस पर। आज का रिव्यू बस इतना ही, बाकी बहुत सारा कुछ डिटेल रिव्यू नए नए गाड़ियों का आप देख पाओगे मेरे चैनल पे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। भाई 125cc नियॉन जो रेट था वही है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ कीमत पे। तो आपके स्टेट में कीमत जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं अप्रोक्सीमेट बोल दूंगा।